माज अब्दुल्ला के दो ही तोते रह गए हैं। गर्मी की हद हो गई है और ये हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। तो भाई साहब अभी बहुत 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 ज्यादा तेज बारिश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो गाइज आज मैंने नहा कर कंघी नहीं की, तो आप मेरे बाल देख रहे हैं किस तरह से उड़े हुए हैं ऊपर। तो आज है जी 10 मुहर्रम और आज छुट्टी है हर जगह पे, शॉप पे भी नहीं, इसी वजह से गया मैं। तो कल से दोबारा शॉप पे जाना रश स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज छुट्टी थी, तो आज मैं अभी तो दिन के 2 हो रहे हैं, तो सुबह धूप निकली हुई थी। अभी जो है ना ऐसे जो है ना वो बादल आए हुए हैं सूरज के सामने, तो उस तरह का मौसम है, लेकिन गर्मी है, हब्बस है थोड़ी थोड़ी। आज 10 मुहर्रम है। आज के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हुई थी करबला में, तो उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए, आमीन। और अभी जी थोड़ी देर में मैं और माजुद्दौला चलते हैं अपने दूसरे घर और वहाँ जाकर आपसे बाकी बातें करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही मौजूद बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक कर लें, और ताकि जब भी आपके इस तरह के व्लॉग्स अपलोड हों, इस तरह की वीडियोज़ आए, तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। माज अब्दुल्ला के दो ही तोते रह गए हैं और दोनों शो एक ही कलर के हैं, दोनों शोर मचा रहे हैं। मैं वीडियो बना रहा था, ये इधर शोर मचा रहे थे कि मेरी भी हमारी भी वीडियो बनाओ। तो मैं जो भी देख रहा है ना तो उसको बोलो दोनों मिलकर कि चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जस्ट वीडियो को देखकर भाग जाते हैं। और तुम बोलो सब्सक्राइब का और तुम बोलो लाइक का, जल्दी बोलो, पहले तो बहुत शोर मचा रहे थे। तो गाइज अभी मैं इधर आ गया हूँ अपने दूसरे घर और साथ माज अब्दुल्ला भी आया था, और आप देख सकते हैं इधर गाड़ी नहीं खड़ी। इसका मतलब ये है कि अब्दुल्ला लोग और सारे बहन भाई सारे बच्चे जो है ना वो अपने बाबा के साथ गए हैं घूमने, आज छुट्टियां ना इस वजह से। और माज अब्दुल्ला अभी मेरे साथ आया था, उसके दोस्त नहीं थे, तो फिर वो वापस कह रहा मुझे छोड़ आओ, तो मैं उसको छोड़ के फिर वापस आ गया हूँ। और अभी कोई भी नहीं इधर, बस घर वाले हैं और भाई और उनके सारे बच्चे जो है ना वो गए हुए हैं घूमने फिरने। तो अभी जन्नत है, बस घर में खेल रही है, नीचे ज़मीन पर रेंग रही है ऐसे ऐसे। अभी 9 बल्कि 10 माह की हो चुकी है, 11 माह की, अगले मंथ के एंड पे जाके वो हो जाएगी पूरे 1 साल की। और दूसरी बात ये कि गर्मी है, हब्बस है, जाड़ तो बना हुआ है ऐसे, जैसे पंजाबी में हम उसको जाड़ी बोलते हैं, यानी कि सूरज के आगे बादल आए हुए हैं, मौसम ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा, लेकिन है हब्बस। और ये देखिए जन्नत किधर रेंग रही है, अभी है ना इसके रेंगने के दिन है, फिर खड़ी भी होना स्टार्ट हो गई है, आस्ता आस्ता खड़ी होकर चलेगी। जन्नत गंदी हुई हुई है सारी, ऊपर से लेकर नीचे तक खेल रही है सुबह से। ये देखें आप कितनी मट्टी लगाई है इसने। गाइज ये हमारे पास एक और गाड़ी है, हमारे दोस्त की ही है, लेकिन इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अभी स्टार्ट भी नहीं हो रही, काफ़ी अरसे से इसको मसला है। मैंने इस पर एक व्लॉग भी बनाया था जिसके अंदर ये ख़राब हो गई थी, उसके बाद इसको सही करवाया था, लेकिन फिर भी जो है ना ये स्टार्ट नहीं होती। बहुत इस पे पैसे खर्च किए हैं और दोस्त को भी बोला ले जाओ, लेकिन उसने इधर ही खड़ी की हुई है और स्टार्ट भी नहीं होती। ये थोड़ी सी बड़ी है, जीप टाइप जो आप समझ सकते हैं, जिसको हम डाला बोलते हैं पंजाबी में, वो चीज़ है, हर्न वगैरह कोई चीज़ नहीं, गेयर इसके टूटे हुए हैं। वैसे 4x4 है, बहुत पुराना मॉडल है, बाकी इसकी हालत खस्ता हो चुकी है, अभी ये स्टार्ट भी नहीं हो रही। मैं कोशिश कर रहा था स्टार्ट तो हो जाए, यहाँ तक ऑन हो गई हैं इसकी लाइटें वगैरह, लेकिन आगे स्टार्ट नहीं होती, बैटरी का मसला है या क्या चीज़ है उसका मसला है। अभी जी हमारी जन्नत शहजादी तैयार हो चुकी है और कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखें 2 पोनियाँ भी की हैं इसने और भूख लग रही है इसको। जन्नत अपने दांत दिखाओ, आ करो, इसके 2 छोटे छोटे दांत भी निकले हुए हैं ऊपर वाली साइड पर। तो गाइस दूसरे घर यानी डेरे से वापस आकर जो है ना वो थोड़ा सा बिजी हो गया था, और अभी शॉर्ट वीडियोस क्रिएट किए हैं, 9:45 होने वाले हैं रात के, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इन पर, आधे घंटे से भी ज़्यादा, 2 ही वीडियो शूट करनी थी, तो अभी शूट कर लिया है। अभी उन एक वीडियो एडिट करते हैं और इंशाल्लाह आपके लिए सुबह अपलोड कर देंगे। फनी वीडियो वाला चैनल अभी तक आपने विजिट नहीं किया तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उस चैनल की मिल जाएगी, वहाँ पर आपके लिए बहुत ही फनी शॉर्ट वीडियोज़ और लॉन्ग वीडियोज़ अपलोडेड हैं, तो प्लीज़ एक दफ़ा विजिट ज़रूर कीजिएगा उस चैनल का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अभी जी ये सारा सामान वगैरह जो है ना, रिंग लाइटें आप सामने लगी हुई हैं मेरे, इनको क्लोज़ करते हैं और क्लोज़ करके जो है ना वो एडिट करते हैं वीडियो को। बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा लो है, मोबाइल को भी चार्जिंग पे लगाते हैं, और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह
कल सुबह। तो गाइज आज है 11 मुहर्रम अहराम, कल 10 मुहर्रम अहराम थी और आज 10 अगस्त है और इंशाल्लाह 4 दिन बाद होगी यौम आज़ादी यानी कि पाकिस्तान का 75th जश्न आज़ादी यानी कि जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। मैं आज जल्दी आ गया हूँ, 6 बजे मैं उठा था तो मेरा इरादा था कि 6:15 पहुँच जाऊँगा लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया तो अभी जी पहुँचा हूँ। अभी बैठते हैं, आज स्कूल दोबारा ओपन हो गए, बीच में एक दो छुट्टियाँ आ गई थी मुहर्रम की तो अभी स्कूल दोबारा ओपन हो गए हैं तो इंशाल्लाह अभी काम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा और एक अगला हफ्ता भी मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँगा इसी वजह से कि शॉप पे काम है स्कूल और कॉलेज का और व्लॉग हो सकते हैं कि थोड़े से डिले हो जाएँ, एक दिन डिले हो जाए या कभी कभी 2 दिन डिले हो जाएँ, ज़्यादा डिले नहीं होने देंगे इंशाल्लाह आपके लिए व्लॉग मज़े मज़े के आते रहेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आपको नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। गाइस सुबह व्लॉग को स्टार्ट करने के बाद मैं बिजी हो गया था शॉप पे और अभी तो शाम हो चुकी है, 7:15 हो चुके हैं और आजकल बिजली बहुत ज़्यादा बंद हो रही है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा, ऊपर से ये बिजली बहुत ज़्यादा, 3-3, 4-4 घंटे, अभी 4 बजे की बंद हुई थी, अभी आई है 7:15, 3 घंटे भाई साहब गर्मी की हद हो गई है और ये हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। तो गाइज अभी उससे अगले दिन की सुबह हो चुकी है, रात को मैं जब घर गया तो कल बिजली कितनी ज़्यादा लोड शेडिंग हुई है, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हुई है, 5 मिनट बिजली आती थी और 3-3, 2-2 घंटे बंद होती थी। अभी भी सुबह से यही हो रहा है, जानबूझकर बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो ना बैटरी रात को मेरी काफ़ी ज़्यादा लो हो गई थी। फिर मैंने कहा कि व्लॉग को शूट तो करना है लेकिन हमारा UPS भी ख़राब है आजकल हो गया हुआ है, उसको आज सही करवाना है और दूसरा जो है ना वो बिजली भी नहीं थी तो फिर व्लॉग भी शूट नहीं हो सकता था, तीसरा ये था कि बैटरी भी लो थी मोबाइल की। तो फिर आज जो है ना इस व्लॉग को एंड करेंगे और एडिट करेंगे और इंशाल्लाह आपके लिए कल अपलोड होगा। एक दिन फिर डिले हो गया व्लॉग, बल्कि 2 दिन डिले हो गया इसी वजह से कि बिजली नहीं आ रही, जिसकी वजह से मोबाइल की चार्जिंग भी नहीं। और बाकी बाहर का मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही सुहाना हो चुका है, सुबह से बादल तो बने हुए हैं लेकिन बारिश हो जाए तो अच्छा है। और बाकी आप व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और गाइज अभी थोड़ी देर पहले ही बिजली आई है, पहले 6 बजे मैं आया हूँ शॉप पे 6:30 के करीब, तो अभी जो है ना अभी बिजली आई है, पहले आई थी फिर अब बंद हो गई थी, फिर 1 घंटे बाद अभी आई है और अभी फिर बंद हो जाएगी थोड़ी देर में। तो भाई साहब अभी बहुत 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 ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, मैं दुकान की अपनी शॉप की बैक साइड पे हूँ और बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा शोर है बारिश का। आगे वाली साइड का भी जो है ना व्यू आपको दिखाया, अभी मैं बैक साइड पे हूँ, जब चलते हैं बारिश बहुत ज़्यादा नहीं तो मैं गीला हो जाऊँगा। और अभी नाश्ता करते हैं, 10 बल्कि 11 बजने वाले नाश्ता करते हैं और बाद में आपसे मिलते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और सड़कें ऐसे सैलाब का यानी कि दरिया का मंजर पेश कर रही हैं, ये देखिए जैसे दरिया में हो रहा है ना उसी तरह होता है यहाँ पे भी। तो गाइज आज सारा दिन बहुत ही तेज, बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हुई है, आपने आगे वीडियो भी देखी है। और बारिश के दौरान बाद फिर मैं सो गया था थोड़ी देर, अभी मैं उठा हूँ थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ तो अभी जी शाम हो चुके हैं, शाम के 6 बजने वाले हैं तो ऊपर आए हुए थे काम और अभी चलते हैं नीचे। ऊपर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, आज शुक्र है अल्लाह का कि बिजली बंद नहीं हुई, वो इस वजह से नहीं हुई क्योंकि आज ठंडा मौसम है बारिश की वजह से तो लोगों ने कम पंखे और एसी लगाने हैं तो इस वजह से बिजली नहीं बंद हुई। ये है मुनाफिक लोग, उनकी निशानियाँ कि जब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा तब बिजली देनी चाहिए, बिजली नहीं देते, जब सर्दी हो जाती है यानी कि ठंड हो जाती है बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो जाता तो तब बिजली देते हैं, बंदे हल लाइटें वगैरह जला लें। तो गाइज आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मैं घर आ चुका हूं और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग और ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज बिजली नहीं गई उसकी वजह यह है कि आज मौसम ठंडा है, कल बार बार जाती थी 5 मिनट आती थी और 2-2 घंटे 1-1 घंटा बंद रहती थी तो आज नहीं गई, यही वजह है कि
आज बारिश है और लोगों ने पंखे और एसी कम लगाने हैं। तो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग और आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, मजीद इस तरह के ब्लॉग्स और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ मौजूद बेल के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें। तो फिर मिलते हैं जी किसी और वीडियो में, किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने पैरों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरा फनी वीडियो वाला चैनल का विजिट करना चाहते हैं या उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उस चैनल की मिल जाएगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।